चंबल के पानी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की आगरा में तबाही मचाई है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री समूह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मंत्री समूह ने दावा किया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी और स्थायी समाधान भी निकाला जाएगा। राजस्थान के कोटा बैराज से चंबल नदी में पानी छोड़ा गया। जैसे ही चंबल नदी में कोटा बैराज से पानी छोड़ा गया, चंबल ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के कई इलाकों में तबाही मचा दी। आगरा के बहापिनाट इलाके में चंबल ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि 26 साल पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो। 26 साल पुराना रिकॉर्ड भी पानी पानी हो गया। सब कुछ पानी के आगोश में समा गया। कई गांव पानी में डूब गए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार को भी चंबल ने हिला कर रखा। उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री समूह आगरा के चंबल प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। मंत्री समूह आशीष पटेल के नेतृत्व में आया। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह और रजनी तिवारी शामिल थे। आशीष पटेल, दयाशंकर सिंह और रजनी तिवारी ने पिनाहट और भा ब्लॉक के उन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया जहां पर जिंदगानी पानी पानी हो गई। लोगों से बातचीत भी की। नजदीक से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मंत्री समूह में आए राज्य मंत्री आशीष पटेल का कहना था, स्थिति भयानक है। राजस्थान से पानी एकदम छोड़ दिया। धीरे धीरे पानी छोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन एक साथ पानी छोड़ा गया जिससे हालात बिगड़ते चले। बाढ़ प्रभावित लोगों की भरपूर मदद सरकार द्वारा की जा रही है। हमारा जब एक कार्यक्रम तय हुआ था तब तक बाढ़ की स्थिति की गंभीरता हमको नहीं पता थी। जैसे ही बाढ़ राजस्थान में चंबल नदी पर छोड़े गए पानी से जो बाढ़ की स्थिति आगे आई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त निर्देश के क्रम में हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को परिवर्तित किया। मैं, मेरे साथ परिवहन मंत्री आदरणीय दयाशंकर जी, उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय रजनी तिवारी जी, तीनों लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया और बाढ़ की विभीषिका देखी और प्रशासन द्वारा उस पर किए जा रहे वर्तमान में फौरी उपाय और बाढ़ घटने के बाद किस प्रकार की तैयारी की जानी है उसकी समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कहते हैं, जिस तरीके से कोटा बैराज से पानी डिस्चार्ज किया गया उसने हालात बिगाड़ दिए। लोगों की जिंदगी पानी पानी कर दी। सरकार पूरी मदद करेगी। बाढ़ खत्म होने के बाद लोगों को हर संभव मदद दी जाए। बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। दयाशंकर सिंह का कहना था कि राजस्थान सरकार से भी बात की जाएगी जिससे स्थायी समाधान निकल सके। धीरे धीरे कोटा बैराज से पानी डिस्चार्ज किया जाए जिससे बाढ़ का विकराल रूप सामने नहीं आए। नहीं देखिए, अधिकारियों ने समय रहते उस पर जो है तुरंत जो है कार्रवाई किया, नहीं तो 36 गांव जो है उसमें जलमग्न हो गया है। कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, पूरे गांव के गांव डूब गया है। हम लोग जो है जहाँ गए वहाँ पर करीब 12 फीट जलस्तर जो है बढ़ा हुआ था और पानी जो है अब तक के लोग बताते हैं कि 26 सालों के बाद बहुत ज़्यादा, और उसके बावजूद भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। इन लोगों ने त्वरित कार्रवाई करके 8 स्टीमर लगा के, एक नाव लगा करके सबको सुरक्षित जगहों पर टीले के ऊपर पहुँचाया, वहाँ पर टेंट लगाया, शुद्ध पानी की वहाँ व्यवस्था इन लोगों ने किया है, वहाँ पर डॉक्टर पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो मैंने प्रशासन ने समय रहते उस पर किया है। प्रदेश सरकार की मंत्री रजनी तिवारी कहती है, बाढ़ के पानी ने काफी नुकसान पहुँचा है। फसलें डूब गई हैं, लोगों के आशियाने डूब गए हैं, सामान का नुकसान हुआ है, लेकिन जनहानि नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह रही कि बाढ़ से कोई जनहानि नहीं हुई। बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकार के द्वारा हर संभव मदद की जाएगी जिससे लोग इस हालात से उबर सके। देखिए, हमारा मंत्री समूह आगरा मंडल में आया है तो हम लोगों को जानकारी हुई कि यहाँ पे बाढ़ भी आई है, तो हम लोगों ने बाढ़ का दौरा किया। वाकई में वहाँ पे पानी बहुत जल्दी स्तर बहुत आगे बढ़ गया है। अधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठक की और वहाँ पे उनको निर्देश भी दिए। जाकर के वहाँ पे स्थिति को भी देखा तो काफ़ी हद तक प्रशासन काम कर रहा है। फिर भी जिन चीज़ों के लिए लगा कि इन चीज़ों के बारे में कहना चाहिए, प्रशासन से उनके बारे में बोला कि उसके भी जब पानी कम हो जाएगा तब बीमारियाँ भी आ सकती है, उसकी भी व्यवस्था बना करके रखें और अभी जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको भी करें। और लेकिन हाँ, प्रसन्नता इस चीज़ की है कि प्रशासन वहाँ पे सही से काम कर रहा है। सांसद राजकुमार चौहान ने भी
बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सांसद राजकुमार चार का कहना था कि हर संभव मदद की जाएगी, प्रशासन पूरी नजर रखा हुआ है। बरसात के बाद की बाढ़ नहीं है, बेसिकली ये राजस्थान की जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, उस सरकार का जो कोटा बैराज है उन्होंने अचानक पानी छोड़ दिया। ये हमारे क्षेत्र की जनता के साथ एक तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के लिए अन्याय करने का काम किया है। चंबल के पानी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के आगरा में जमकर तांडव मचाया। अब चंबल शांत होने लगे लेकिन हालात अभी ठीक नहीं। चंबल नदी ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आगरा के भापनाट इलाके में चंबल नदी ने जमकर तबाही मचाई है। गांव के गांव पानी में डूब गए, हर तरफ पानी पानी, मुसीबत में जिंदगानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मंत्री समूह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों से सीधी बातचीत की, किस तरीके से मदद की जा रही है, क्या किसी को कोई परेशानी है। मंत्री समूह का कहना है हालातों का जायजा लिया गया है, अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बाढ़ उतरने के बाद पूरी मदद जारी रहे, किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कोटा बैराज से चंबल नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ दिया गया, जिसके चलते चंबल नदी ने बरसों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। यदि पानी को धीरे धीरे डिस्चार्ज किया जाता तो इतनी तबाही देखने को नहीं मिलती। गनीमत सबसे बड़ी ये रही कि जनहानि नहीं हो पाई। समय रहते आगरा प्रशासन अलर्ट रहा, जिसके चलते सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई। अब पीड़ित लोगों को बाढ़ उतरने के बाद राहत की उम्मीद है, मुआवजे की उम्मीद है। दावे कितना कसौटी पर खड़े उतरते हैं ये वक्त बताएगा। बहरहाल जो स्थिति वर्तमान में दिखाई दे रही है वो संतोषजनक पाई गई है। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सीनियर।